बॉस ओटीटी सीजन 2 की मनीषा रानी के म्यूजिक वीडियो में भले ही टोनी कक्कर की दिखी हो बेस्ट केमिस्ट्री, लेकिन आखिर क्यों है मनीषा रानी के लिए एल्विश यादव बेस्ट? क्यों एल्विश और मनीषा की बॉन्ड को किया जाता है सबसे ज्यादा पसंद? सामने आई उसकी ये बड़ी वजह जो एल्विशा फैंस का दिल जीत कर रख देगी। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। वैसे तो मनीषा के साथ इन दिनों अभिषा, एल्विशा, टोनीशा बहुत सारे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक जो हैशटैग है वो है एल्विशा का, जो कि बहुत ही अलग बॉन्ड था। बीते एक महीने में ही एल्विशा का जो हैशटैग ऊपर गया वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर था। वैसे मैं आपको बता दूं, अभिषेक और मनीषा की केमिस्ट्री जो है उसका तो कोई भी जोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है। डे वन से अभिषेक ने मनीषा के लिए स्टैंड लिया है, लेकिन हाँ जब बात आती है फ्रेंड से ज़्यादा बढ़कर, क्योंकि मनीषा को एल्विश यादव बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और एल्विश को भी अब दिल ही दिल में मनीषा के लिए वो प्यार दिख रहा है, चाहे वो वीडियो की थंब नील हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर लाइव आना हो, एल्विश यादव हर तरफ से मनीषा को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब मनीषा ने बिग बॉस के घर में एक बात बोली थी और ये कहा था कि मुझे एल्विश के साथ बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है, वो जो हरकतें एल्विश के साथ करती थी वो किसी और के साथ नहीं करेंगी। ये खुद ब खुद फ्लर्टिंग वाली बात मनीषा ने कहा था। और अब मनीषा और एल्विश का और टोनी कक्कर का कुछ ऐसा वीडियो सामने आया है जो कि चलता फिरता प्रूफ है कि मनीषा को वाकई एल्विश के साथ बहुत ज़्यादा सेफ फील होता था, इसीलिए एल्विश के साथ वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करती थी। और लोग जो है वो एल्विश और मनीषा को क्यों इतना पसंद करते हैं, यहाँ पर है वो क्लिप जो आप देख सकते हो। एक क्लिप में टोनी कक्कर का हाथ हटाते हुए नज़र आ रही हैं। ये वही सॉन्ग है जो सॉन्ग शूट हुआ है मनीषा और टोनी कक्कर का। और दूसरी तरफ एल्विश यादव के साथ जिस तरह से मस्ती करती नज़र आई हैं मनीषा, यही वो बड़ी वजह थी कि मनीषा को प्योर सोल कहा जाता है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि मनीषा फेक कर रही थी या फिर मनीषा सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस के आखिरी तक जाने के लिए कर रही थी, तो ये वीडियो उन लोग के मुंह पर तमाचा है कि मनीषा ने अगर जो बातें कही है कि उनको एल्विश के साथ बहुत ज़्यादा सेफ फील होता था और तभी वो एल्विश को इतना ज़्यादा अच्छा दोस्त मानती हैं जबकि दोस्त से बढ़कर मानती हैं। वेल, आपका क्या है ओपिनियन मनीषा और एल्विश की इस केमिस्ट्री पर? लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।